हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द टीचिंग पोस्ट एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है 31 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 मई शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे पोस्ट एंड आपका जो विषय है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पूर्णकालिक जो शिक्षिका है, परमानेंट टीचर्स है, तो उनके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट रखा गया है मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विषय। ठीक है, तो उनके लिए देखिए यहाँ पे जो पे स्केल है वो सेम रखा गया है, 22,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा परमानेंट टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए गणित के लिए यहाँ पे कुल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी वो 5 रखा गया है। साइंस के लिए 3 वैकेंसी है, हिंदी संस्कृत के लिए 2 वैकेंसी है, सामाजिक विषय के लिए 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी रखा गया है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके साइड में देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रखा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए वो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी पोस्ट के हिसाब से आप अपना अपना चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ आता है पार्ट टाइम टीचर्स कंप्यूटर शिक्षा के लिए, तो उसमें वैकेंसी जो है वो 6 वैकेंसी है एंड 9,800 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट टाइम टीचर्स जो है स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षा के लिए, तो उसमें देखिए 2 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 2 है, 9,800 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो है आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक में जो पार्ट टाइम टीचर की पोस्ट है, तो उसमें वैकेंसी रखा गया है 2 वैकेंसी, टोटल 9,800 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। उसके बाद लेखाकार के लिए देखिए 3 वैकेंसी है, 1,100 रुपये मिलेगा पर मंथ। उसके बाद मुख्य रसोईया के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखा गया है, 6,900 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। उसके बाद सहायक रसोईया के लिए 4 वैकेंसी है टोटल, तो यहाँ पे 5,175 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। उसके बाद चपरासी एंड चौकीदार के भी पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें चपरासी के लिए 2 वैकेंसी एंड चौकीदार के लिए 5 वैकेंसी है। दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे सेम पे स्केल है, तो 5,750 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो 38 वैकेंसी निकाला गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो एज लिमिट रखा गया है, मिनिमम एज होना चाहिए आपका 25 इयर्स एंड मैक्सिमम होना चाहिए 45 इयर्स। एज रिलैक्सेशन को लेके यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जब ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग होने के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसी का जो प्रोबेशन पीरियड है तो उसका यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है जो कि अप्रोक्स 1 ईयर होने वाला है। तो आफ्टर 1 ईयर आपका जो एकेडमिक जो रिकॉर्ड है, जो परफॉर्मेंस है, उसी हिसाब से आपका परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो जिनका परमानेंट पोस्ट है उनका परमानेंट कन्फर्म हो जाएगा एंड जिसका पार्ट टाइम है तो उनका एक नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 1 साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें आपका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये तो हर सभी का मतलब हो जाता है आफ्टर ज्वाइनिंग, सभी परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या चाहिए आपको। यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को भरना है अच्छे से, फोटो वगैरह को पेस्ट करना है। ठीक है, एंड सेल्फ अटेस्टेड करके सारे जो डिग्री सर्टिफिकेट एंड आपके पास मार्कशीट है सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लेना है। उसके बाद लिफाफे में भर के 42 रुपीज का एक डाक टिकट लगाना है एंड जो एड्रेस है उसमें भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, आपका जो भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट है, जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जब सिलेक्ट हो जाएंगे आप तो आपको सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको जो फोटो है, आपका जो फोटो है वो पेस्ट करना होगा, पोस्ट का नाम लिखना होगा, सब कौन सी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, आपका नाम, पिता का नाम, अगर हस्बैंड है तो उनका नाम, ऐसे करके सब कुछ यहाँ पे भर लेना है, आपका सारा डिटेल्स देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो रिकॉर्ड है एकेडमिक रिकॉर्ड, तो एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, नाम एंड आपका एड्रेस, उसके बाद डेट लगा के आपको जो जो यहाँ पे बोला है डॉक्यूमेंट उसके साथ आपको भेजना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है एड्रेस जो है वो यहाँ पे मतलब क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि कैसे आपको एनवेलप के ऊपर लिखना होगा। तो आप पूरा सब कुछ कंप्लीट करके जो एनवेलप के ऊपर एड्रेस लगाएंगे वो ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 KGBB या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हथरस, ऐसे लिख के फिर जो
गूगल मैप है, वहाँ पे वहां से आपको पिन कोड मिल जाएगा, ठीक है। वो वेबसाइट में है तो वहां से आप क्लिक करेंगे तो मैप खुल जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश 204101 इंडिया, तो ये साथ में ये उत्तर प्रदेश का पिन कोड भी डाल देना, ठीक है, हथरास का, तो डाल के फिर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, सभी ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत सारे वैकेंसीज है यहाँ पे, 38 वैकेंसीज है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा एंड इंटरव्यू नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो नॉन टीचिंग पोस्ट के पोस्ट है तो उनके लिए इंटरव्यू हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बट टीचिंग पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, तो आपका सीधा ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आई होप आप सभी का क्लियर हो जाए, जिसका जो इच्छा है, जो पार्ट टाइम टीचर के लिए या फिर फुल टाइम टीचर के लिए, तो आपका इच्छा पूरी हो जाए, यही मेरी कोशिश रहेगी एंड यही मेरी दुआ रहेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स को। अभी चलते हैं कि वेबसाइट में, कौन सी वेबसाइट में आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए हाथरस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आ सकते हैं एंड वहां पे आके आपको नोटिसेस करके मिल जाएगा, ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो नोटिसेस में देखते ही आपको नीचे रिक्रूटमेंट मिल जाएगा, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो और एक टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का टैब ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे एक ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, KGBB टीचर्स रिक्रूटमेंट हाथरस, ठीक है। स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है 17 मई को आया था एंड ये 31 मई तक चलने वाला है, ठीक है, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे फाइल में अगर क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपके पास आ जाएगा। डाउनलोड करके सब कुछ फिल करके आराम से भर देना, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेंड कर देना, बिकॉज पोस्टल डिले वगैरह होता है, क्योंकि 31 मई से पहले आपको ये सेंड करना है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके भर देना। एंड बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई यहाँ पे एकदम फीस वगैरह नहीं लगेगा, सिर्फ 42 रुपीज का एक डाक टिकट लगेगा, ठीक है। तो सारा सब कुछ कंप्लीट करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 6 कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए आया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, जरूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीटफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपकी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, क्योंकि वहां पे भी मैं अदर जॉब के बारे में नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।